नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन में स्लो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग हो रही है, आप 25 वाट का चार्जर यूज़ कर रहे हो उसके बाद भी स्लो चार्जिंग दिखा रहा है, या फिर 15 वाट का भी चार्जिंग अगर आप चार्जर यूज़ करते हो और उसके बाद भी दिखा रहा है स्लो चार्जिंग, फ़ोन आपका दो दो घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, तीन घंटे लगा रहता है, चार्ज नहीं होता है, तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेटिंग्स जिनको आपको ऑफ़ करनी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको फॉलो करना है, देन इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है स्लो चार्जिंग की वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है कभी कभी हम लोग फ़ोन में जो प्रॉब्लम होती है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए अभी इस टाइप स्लो चार्जिंग पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर फ़ोन में जो प्रॉब्लम किस रीज़न से आ रही है, किस कारण से आ रही है, हमको पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमको यही चेक करना पड़ेगा कि क्यों आखिर स्लो चार्ज हमारा फ़ोन हो रहा है, क्या कारण है। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो में अगर पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को आप प्रेस करना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, और एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, सैमसंग का फ़ोन जो है उसकी सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए बैटरी का, बैटरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आओगे इस तरीके से, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मोर बैटरी सेटिंग्स का, ये रहा वो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ये हमारी पहली सेटिंग है। अब यहाँ पर देखिए फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन है, आपको क्या करना है इसको यहाँ पर, अगर ये मान लीजिए ऑफ है इस तरीके से तो आपको इसको ऑन करना है, और अगर ऑन भी है ना तो इसको एक बार ऑफ करके इस तरीके से ऑन कर देना है, मतलब ऑफ करके ऑन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है और अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। अब यहाँ पर आपको डायल करना है *#9900#, जैसे आप इसको डायल करेंगे इस कोड को, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो ऑप्शन बैटरी रीसेट, ठीक है, बैटरी रीसेट, ये जो ऑप्शन है ना इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्लिक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना है। क्या है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 15 वाट का दोस्तों आप चार्जर यूज़ करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप मान सकते हो डेढ़ घंटा, तो आपको डेढ़ घंटे से या फिर एक घंटा 25 मिनट या 30 मिनट लग सकता है। अगर आपका जो चार्जर है वो 25 वाट का है, ठीक है, अगर आप उससे चार्ज करते हो अपने फ़ोन को, तो आपका जो फ़ोन है वो एक घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ और इशू हो, जैसे कि क्या है, डाटा केबल को एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आप पुरानी डाटा केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक बार चेंज करके देखिएगा, या फिर अपने किसी और दोस्त के पास अगर सैमसंग का फ़ोन है तो उसकी डाटा केबल यूज़ करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। चार्जर तो जल्दी कोई इशू आता नहीं है, डाटा केबल में इशू होगा या ये जो सेटिंग्स है उनमें इशू होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप फ़ोन हीट करने के बाद लगाते हैं तो कभी भी मत लगाइएगा, फ़ोन आपका स्लो हो जाए उसके बाद चार्जिंग पे लगाइएगा। ये सब सेटिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करिएगा, देन इसके बाद देखिएगा आपका जो फ़ोन है वो स्लो चार्जिंग का इशू खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।